डियर स्टूडेंट्स, ज्ञान गोदावरी संस्थान के अलौकिक प्रांगण में डॉक्टर डीडी तिवारी एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता है। छात्रों, कल मैं आपको बताया था कि मंजिल प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विषय के हर सोपान को पकड़ना होगा, हर विषय पर अपनी दृष्टि रखनी होगी, कंपटीशन के हर आयाम को पार करना होगा। जिसमें हम लोग हिंदी व्याकरण शुरू किए थे, हिंदी व्याकरण में वर्णमाला बोध शुरू किए थे। वर्णमाला बोध में मैंने वर्ण की परिभाषा, वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के रूप को लिखा दिया था। बात यहां तक पहुंची थी। वर्णमाला बोध के तीन रूप होते हैं, मैंने बताया था, जिसमें पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। एक सवाल मैं बच्चों फिर करता हूं आपसे, क्योंकि प्रश्न पूछना ही तो प्रासंगिक है, एग्जाम में प्रश्न ही तो आते हैं बहुविकल्पी। आप ये सोचिए, अगर एग्जाम में आ गया उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए दो, बी तीन, सी चार, डी पांच। जल्दी बोलिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? एक विचारणीय प्रश्न है, आप जब तक नहीं जानेंगे सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसका सही उत्तर है दो। लिखे, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वरवर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। याद रखो बच्चों, पहला स्वरवर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। अब हम आ जाते हैं स्वरवर्ण पर। स्वरवर्ण, अरे मैं सवाल आपसे करूंगा, पहले एक बार परिभाषा लिखा दूं तब, जिससे आपको कुछ बोध विशेष हो जाए। जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिनके उच्चारण में उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें स्वरवर्ण कहते हैं। हिंदी में
स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है, जिनका क्रम इस प्रकार से है। अ आ ए ए ओ ओ रे ए ऐ ओ ओ। याद रखो बच्चों, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 मानी जाती है, जिनका क्रम इस प्रकार से है। अब आपसे एक बार मैं सवाल करता हूं, आप हमेशा देखो बच्चों सवाल एग्जाम में बनते कैसे हैं, तभी तो आपके मन में अवधारणा पड़ेगी हम क्या जानते हैं, हमें क्या जानना है। जैसे आ गया जैसे एग्जाम में आ गया जिन वर्णों का प्रश्न पूछ रहा हूं, प्रश्न जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है वे वर्ण कहलाते हैं। ए व्यंजन, बी स्वर, सी निपात, डी अनुस्वार। सवाल यह है, जिन वर्णों का स्वतंत्र अस्तित्व होता है वे वर्ण कहलाते हैं। पहला व्यंजन, दूसरा स्वर, तीसरा निपात, चौथा अनुस्वार। एक नया प्रश्न आपको मिल गया जिसका उत्तर है स्वर। दूसरा सवाल प्रश्न नंबर दो, प्रश्न दो, हिंदी में स्वर वर्णों की, हिंदी लगा दिया मैंने, की संख्या है, मैंने हिंदी शब्द लगा दिया मैंने, याद रखना, ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। अब आपके लिए एक चिंताजनक सवाल फिर आ गया, मैंने हिंदी शब्द लगा दिया है और लिखा भी दिया हूं, इसका उत्तर है 11, बी। लेकिन अगर मैं पूछता स्वर वर्णों की कुल संख्या, हिंदी हटा देता, तब 13। मैंने सवाल किया हिंदी में 11। अगला सवाल, तीसरा सवाल, ध्यान दो बच्चों, अभी मैं केवल एक दो लाइन लिखाया हूं बस, लेकिन सवाल पर सवाल बनते हैं, यह बात आपको दिमाग पर रखनी होगी। अगला प्रश्न, स्वर वर्णों का सही क्रम है, स्वर वर्णों का सही क्रम है, ए आ आ ए ए ओ ओ ए ऐ ओ औ अं अ, बी उ ए ऐ
ओ आओ, सी ओ आओ, अंग अ, डी ऊ री। उत्तर दो बच्चों, स्वर वर्णों का सही क्रम है। इसका उत्तर है डी ऊ री। देखो बच्चों कैसे सवाल बनते हैं। अगर मैंने समझाया होता, बच्चा न पढ़ा होता, हो सकता पहला मार देता, आ ई ऊ ए ओ अंग, यही मार देता। हो सकता दूसरा मार देता, ऊ ए ओ कहता, उसी क्रम में तो है। लेकिन अभी मैं ऊपर लिखाया हूं 11 हिंदी स्वर, हिंदी में 11 स्वर हैं, जो क्रम उनका क्या है, आ ई ऊ री ए ओ, ये क्रम है उनका। खैर अब आप आ जाओ, एक सवाल और कर दे रहा हूं। अगला सवाल, निम्न में कौन सा स्वर हिंदी का स्वर नहीं है। ए री, बी ओ, सी ल्री, डी औ। निम्न में कौन सा स्वर हिंदी का स्वर नहीं है। उत्तर दो बच्चों, री ओ ली औ हिंदी का स्वर नहीं है, केवल संस्कृत का है। इसमें संस्कृत के दो हैं, लेकिन हिंदी में केवल एक नहीं होता, बाकी होता है। वेलरी सी, क्लियर। री भी है लेकिन उसका हिंदी में प्रयोग होता है, संस्कृत में भी होता है उनका प्रयोग। ली है केवल संस्कृत प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता। ऐसे बच्चों सवाल बनते हैं। इससे मैं आपसे कदम कदम पर कहता हूं, आप प्रश्न के समय पर, आप प्रश्न के बोध पर ध्यान रखिएगा। अब आप आ जाइए स्वर वर्ण के भेद। हेडिंग डालो स्वर वर्णों का वर्गीकरण। एक सवाल मैं फिर कर रहा हूं बच्चों, प्लीज सवाल कर रहा हूं, स्वर वर्णों का प्रश्न। स्वर वर्णों का वर्गीकरण कुल कितने रूपों में किया गया है। स्वर वर्णों का वर्गीकरण कुल कितने रूपों में किया गया, याद रखना उच्चारण स्थान के आधार पर चल रहा है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण कुल कितने रूपों में किया गया है। ए दो, बी तीन, सी चार, डी पांच। उत्तर दो, उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण कुल कितने रूपों में किया गया है। उच्चारण स्थान के आधार पर लगा लेना, क्योंकि वही समय पढ़ा रहा हूं। दो तीन चार पांच, उत्तर है सही दो। लिखे बाप,
उच्चारण लिखो, स्थान के आधार पर, आधार पर स्वर वर्णों का वर्गीकरण। दो रूपों में किया गया है। पहला है उत्पत्ति या जन्म या प्रादुर्भाव या आविर्भाव के आधार पर स्वर। उत्पत्ति या जन्म या प्रादुर्भाव या आविर्भाव के आधार पर स्वर। और दूसरा है मात्रा या काल, मात्रा या काल या परिमाण के आधार पर स्वर। याद रखो बच्चों, बहुत सारी बातें हर जगह नहीं प्राप्त होती। जैसे अगर आज उत्पत्ति के आधार पर स्वर कितने भेद हैं, या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने रूप हैं, या प्रादुर्भाव के आधार पर या आविर्भाव के आधार पर, सबका एक मतलब है। ऐसे मात्रा के आधार पर या काल के आधार पर या परिमाण के आधार पर स्वर कितने भेद हैं, सबका एक अर्थ है। याद रखो, इस बात को दिमाग में रखे रहना, बहुत गहराई से बता रहा हूं, हर जगह ये बातें प्राप्त नहीं होती। याद रखो, हर जगह ये नहीं लिखा रहेगा आविर्भाव के आधार पर स्वर कितने भेद हैं, या प्रादुर्भाव के आधार पर या जन्म के आधार पर। उत्पत्ति जन्म उत्पत्ति तो मिल जाता है, कुछ बातें हर जगह नहीं प्राप्त होती। या काल के आधार पर स्वर कितने भेद हैं, या परिमाण के आधार पर, आपको सूक्ष्म बातों पर ध्यान रखनी पड़ेगी। क्लियर? शेष बातें बच्चों हम लोग इसको व्यापक रूप से अगले सोपान पर करेंगे और मौलिकता व्याप्त होगी आप में, आप हर चीज को आसानी से जान जाएंगे। बस आप एक काम करिएगा कि गोदावरी संस्थान के इस प्रांगण में सब्सक्राइब करिएगा आप, और अपने मित्रों से यारों से आगे बढ़ाइएगा, और जो बगल में घंटे उसको बजाइएगा, और अपने मंजिल को प्राप्त करने का अगले सोपान पर अवगत हो जाइएगा, अगले सोपान पर चढ़ जाइएगा। जय हिंद बच्चों।